told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने बेबी पिंक कलर का मेकअप लुक किया है आज, जो कि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी और एक तरह से चैलेंज दिया था, तो मैंने उसे निभाने की पूरी पूरी कोशिश की है। और साथ ही मुझे किसी ने बोला था कि आप अपना आई मेकअप जो भी करती हैं आप प्लीज़ बहुत क्लोजअप और स्लो स्पीड में दिखाइए, तो मैंने आज काफ़ी डिटेल में इसे जो है शूट किया है और आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करने जा रही हूँ। ये मेकअप लुक विदाउट फाउंडेशन है। दोस्तों, मैंने फेस वॉश कर लिया है और थोड़ा सा सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है टोनर लगाने के बाद। उसके 10 मिनट बाद मैं जो है अब ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं मेकअप करूँगी। और ये मेकअप भी लंबे समय तक टिका रहता है दोस्तों, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अपने फेस की अच्छी तरह से मसाज कीजिए। कॉम्पैक्ट मैंने अच्छी तरह से यूज़ कर लिया है, क्योंकि उसके बाद ही ये हल्के हल्के शेड में अप्लाई करूँगी। चूँकि बेबी पिंक कलर का मैंने सूट पहना है जिसमें हल्का हल्का ग्रे कलर का, ग्रीन कलर का वर्क हुआ है, तो मैं सबसे पहले डार्क पिंक, लाइट पिंक और ग्रे कलर के तीन शेड मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैं डार्क पिंक यूज़ कर रही हूँ। और दोस्तों, मैं जितने दूर मुझे जो शेड रखना है मैं बस वहीं पे उसी एरिया में अप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा पहले एक कलर कवर किया फिर दूसरा उसे चढ़ाने के लिए थोड़ी दूर फिर से कॉम्पैक्ट यूज़ किया, इस तरह से नहीं। ग्रे कलर का मैं एकदम कॉर्नर पर यूज़ करूँगी, सो उतना ही प्रोडक्ट लूँगी जितना मुझे उसका शेड डालना है बस। और इन सभी के बाद मैं जो है लाइट पिंक कलर अपर एरिया में यूज़ करूँगी, ताकि अच्छा प्यारा सा लुक क्रिएट हो सके। आई मेकअप मेरा आप देखिएगा, मैं क्लोज़अप भी दिखा दूँगी। अब इसमें से मैं थोड़ा सा सिल्वर कलर का शिमरी यूज़ करूँगी, गिल्टर, जिससे मैं अपनी आईब्राउज और आई कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी, जो मैं हमेशा करती हूँ। और अच्छी तरह से मैं इसे हाईलाइट करूँगी दोस्तों, क्योंकि मेकअप काफ़ी लाइट हो रहा है, तो कम से कम हमारी आईब्राउज और आई कॉर्नर अच्छे दिखने चाहिए। तो आप क्लोज़अप भी देख लीजिए, मैं जितना एज़ पॉसिबल एज़ क्लोज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। आईलाइनर यूज़ करने से पहले मैं अच्छी तरह से उसे निकाल देती हूँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ताकि आई पे वो फैले ना। और सेंटर से मैं जो है चालू करती हूँ लगाना, एकदम पतली पतली लाइन में इसके ऊपर ड्रॉ करती जाती हूँ और नीचे की तरफ अपना हाथ रखती हूँ, ताकि बिल्कुल भी ये फैले ना। काफ़ी सधे हाथों से मैं करती हूँ, और मैंने स्पीड जो है इसकी नहीं बढ़ाई है, ताकि आप लोगों को देखने में बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो, समझने में डिस्टर्बेंस ना हो। आप लोगों में से कई लोगों को मेरा आईलाइनर बहुत पसंद आता है, तो यही ट्रिक है दोस्तों, बहुत अपने आँखों को जो है बहुत स्थिर रखना होता है। अब मैं जो है मस्कारा यूज़ करने से पहले हल्का सा अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी, क्योंकि मैं आईलैशेस जो है फेक नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी सूट नहीं होती है। और मैं कोशिश करूँगी हैवी मस्कारा यूज़ करने की। उससे पहले हल्का हल्का मैं जो है काजल अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। और दोस्तों, मैं जब काजल यूज़ करती हूँ तो अपनी आँखें हल्की हल्की बंद करती चलती हूँ, ताकि वो ही काजल ऊपर की आँखों पर भी लग जाए, तो अलग से हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और संभाल के लगाती हूँ, आँखों में ऐसा लगता है कि वो इंजर्ट कर देगा, बट ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत किनारे रखती हूँ और पलकों से उसे दबा भी देती हूँ, ताकि वो और अंदर ना जा पाए। अब मैं मस्कारा यूज़ कर ले रही हूँ, तो मस्कारा का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैंने एकदम निकाल दिया है बढ़िया से। अब इसे जो है हल्के हल्के हाथों से मैं अपर लैशेज पर जो है अप्लाई कर रही हूँ। कभी कभी ज़्यादा प्रोडक्ट होने से ये जो है ना मस्कारा ऊपर मेरी आईब्राउज़ में भी जाके टकरा जाता है, तो बहुत सावधानी मैं रखती हूँ, क्योंकि फिर वो उसे रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी वो अपने दाग छोड़ देता है, तो मेकअप चौपट हो जाता है दोस्तों। तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है हमें ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले। हालाँकि मेरे आईलैशेस हो गए हैं अच्छे खासे कर्ल, पता नहीं क्लोज़अप में दिखाई देगा कि नहीं, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग चेक करके बताइए कितना अंतर नज़र आ रहा है। और
लोअर लैशेस पे भी मैंने हल्का हल्का सा लगा लिया है। अब मैं आप लोगों को क्लोज से लिप भी दिखा रही हूँ। मैं लिप लाइनर से सबसे पहले अपने लिप्स पर एम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं और बहुत सॉफ्टू हैं दोस्तों, तो बहुत जल्दी लिपस्टिक फैल जाती है। तो मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, उससे सबसे पहले एम ड्रॉ करूँगी। थोड़ा डार्क एम बनाती हूँ मैं, ताकि वो उभर कर दिखे और लिप्स का शेप बहुत प्यारा सा आ जाए। इसमें जितना भी टाइम मुझे देना होता है मैं दे देती हूँ, और अच्छी तरह से इसे मैंने शार्प कर लिया है ताकि कॉर्नर्स बहुत अच्छे से बने। और मैं इसके ऊपर कोई ग्लिटर या कोई भी वैसलीन अभी नहीं लगाऊंगी, ताकि मैट लुक नज़र आए। थोड़ी सी ज्वेलरी पहन लेती हूँ मैचिंग, और हल्का सा फेस मेकअप भी कर लेती हूँ। और आप लोग ओवरऑल मेरा जो लुक क्रिएट हो रहा है उसे देख के बताइएगा कि बेबी पिंक कलर में मैं पास हुई हूँ या नहीं, मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं सभी कुछ आप बताइएगा। नेकलेस मैं नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही ये बहुत प्यारा सा लग रहा है। और आप इसे इंगेजमेंट लुक भी कह सकते हैं। इंगेजमेंट में लड़कियाँ अक्सर ऐसे ही तैयार होना पसंद करती हैं, जो बेबी पिंक हुआ, गोल्डन कलर हुआ या क्रीम कलर हुआ, इस तरह के गेटअप में। तो ओवरऑल मेरा ये लुक है, आप देख के बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah.